अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। नाश्ता कर रही थी मैं यहाँ पे, और टिश्यू से रैप कर कर के जो है ना, मैं अपने पराठे को खा रही थी। और फाइनली जी सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आज बड़ी हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। तो मैंने कहा चलो जी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और डीप क्लीनिंग इसीलिए की क्योंकि वहाँ से बेडरूम से अपने बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने थे, गर्मियों के कपड़े रखने थे। तो मैंने कहा चलें जी पहले नाश्ते करती हूँ, किचन का काम खत्म करती हूँ, उसके बाद जी स्टार्ट होते हैं अपनी क्लीनिंग। माय गॉड, पिछले 2 घंटे से मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ। पंखा भी साफ़ कर दिया है और ये सारी डस्टिंग की है। यहाँ इतना खिलारा पड़ा हुआ था, वो सेट किया है, ये सब सेट किया है, ये सब क्लीन किया है, साफ़ किया है। अभी ये उठाएंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, एंड देन ये एक मैंने इसमें इजाफ़ा किया है, ये नीचे मैंने इसको रखा है, ये मुझे अपनी वीडियो के लिए चाहिए। अब देखती हूँ मैं इसको कहाँ रखूँगी, बट ये बाद में, टाइम देखें क्या हो रहा है। टाइम देखें, 2 घंटे गुजर गए, अभी भी हमें इसमें 1 घंटा मजीद लगेगा। अभी तो क्लीनिंग शुरू होगी। हाँ, अभी क्लीनिंग स्टार्ट होगी, अभी तो सिर्फ जो मैसी सा था ना, हाँ वो सब समेटा है हमने। और अब करते हैं हम मेन क्लीनिंग, ये जो सारा इतना गंदा हो रहा है, तो बस इसको क्लीन करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
पे जी मेरी 10 घंटे की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि दिखने में सिर्फ मुझे लगता है 6 से 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन जब क्लीनिंग वगैरह करनी होती है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने बच्चों के विंटर के कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल के अलग अलग कर दिए थे, जो कि मैंने नहीं दिखाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पर जी मैं भर भर के स्प्रे करती हूँ, भर भर के मैट्रेस पे भी करती हूँ, पंखों पे भी करती हूँ, दीवार इतना करती हूँ कि बस मुझे ऐसा लगता है एक ही दफ़ा बॉटल ख़त्म करनी बस। और उसके बाद जी मेरी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी और काफ़ी कुछ मैंने समेट दिया था, नीचे से कारपेट भी उठा दिया था, वॉश करने के लिए मैंने दे दिया था, और ये सब काम हो चुके थे। जो कि मुझे ऐसा लगता है जो डीप क्लीनिंग होती है ना बहुत बड़ी वाली, अगर वो हो जाए ना तो काफ़ी सुकून मिलता है। एक हफ्ते तक तो आप इतना रिलैक्स करते हो कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, और वाकई में पहाड़ तोड़ने के बराबर होता है। तो चैलेंज ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट भी किया करें, और फुल वॉच किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।